छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भूला हो। जमीन रजिस्ट्री के लिए 1,60,000 रुपए गोल्ड लोन लिया था, मस्तूरी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ है घायल। अकल तरह से मस्तूरी आते समय हुआ था दुर्घटना, मौके पर मस्तूरी पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी घायल को अस्पताल पहुँचाई और उनके सामग्री को परिजनों को दे दिया। मस्तूरी पुलिस के अनुसार घायल सुरेंद्र बंजारे पिता साहेब लाल बंजारे, जो अकलतरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और मस्तूरी में किराए के मकान में रहता है, वेद पर सदा स्थित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ है। मस्तूरी में जमीन खरीदने के लिए जांजगीर से गोल्ड लोन से 1,60,000 लेकर आ रहा था, साथ में कुछ आभूषण भी रखा हुआ था। रात में अंधेरा होने की वजह से स्वयं दुर्घटनाग्रस्त होकर जयराम नगर चौक के पास बेसुध पड़ा हुआ था। मस्तूरी थाना प्रभारी फैजुल शाह को फोन पर सूचना मिली कि कोई व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है। मौके पर पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंचकर 112 की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस घायल व्यक्ति के बारे में पता साजी करने में जुट गई। मस्तूरी में उनके रिश्तेदार होने की जानकारी मिली और जिसको थाने बुलाकर घायल व्यक्ति के बारे में पूछताछ किया गया। घायल व्यक्ति सुरेश बंजारे को होश आने पर मस्तूरी पुलिस ने उसका पैसा आभूषण के साथ चेक बुक आधार कार्ड लौटाया। वही घायल व्यक्ति ने पुलिस से मदद मिलने पर धन्यवाद दिया। एक अच्छी पुलिसिंग के उदाहरण के तौर पर इसे हम बता सकते हैं पुलिस की अच्छी कार्रवाई में। कल एक सूचना मुझे शासकीय नंबर पर मिली थी कि जयराम नगर चौक के आगे एक एक्सीडेंट हो रखा है। मौके पे पेट्रोलिंग को रवाना किया गया था। पेट्रोलिंग टीम जयराम नगर चौक से दरी घाट के बीच देखा तो उस दौरान कोई व्यक्ति वहाँ पे एक्सीडेंट होकर गिरा पड़ा नहीं मिला था। तो इन्हें बताया गया कि आप लोग अगलतरा रोड में भी देख लो। इस दौरान जयराम नगर चौक से थोड़ी आगे बढ़ने पर एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ था। पास जाके पेट्रोलिंग टीम देखी तो वो व्यक्ति शराब के अत्यधिक नशे में था। उसे तत्काल मस्तूरी अस्पताल रवाना किया गया 112 में। इसी दौरान वहाँ पे एक व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार था वो वहाँ पे पहुँचा। उसने बोला कि ये गोल्ड लोन लेके, मणप्पुरम गोल्ड लोन लेकर जमीन रजिस्ट्री से कराना था, 1,60,000 रुपये ये रखा हुआ था, साथ में कुछ बचे हुए गोल्ड थे। तो पुलिस टीम आसपास सर्च की तो वो बैग, उसका उस व्यक्ति का बैग मिला जिसमें उसने 1,59,000 रुपये ट्रांजेक्शन किया था। वो पूरे पैसे उसमें मौजूद थे, साथ ही कुछ चेक्स थे और कुछ ATM थे और बचा हुआ लगभग 2 तोला गोल्ड था। तो ये पूरा रकम और पूरा सामान गवाहों के समक्ष उस व्यक्ति को लौटाया गया।